वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान का मामला लगातार बढ़ रहा है। अरब और इस्लामिक देश खुलकर बयान की निंदा कर रहे हैं और भारत के सामने विरोध दर्ज करवा रहे हैं, तो वहीं दूसरे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नुपुर शर्मा का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, उनकी बातों को जायज ठहरा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन कौन कर रहा है नुपुर शर्मा का समर्थन। पाक पत्रकार ने किया नुपुर शर्मा का समर्थन। नुपुर शर्मा के बयान पर अरब के मुस्लिम देश इकट्ठा होकर भारत से माफी की मांग कर रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के पत्रकार तहा सिद्दीकी ने अपने ट्वीट पर नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया है। तहा सिद्दीकी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 9 साल की उम्र में आयशा के मोहम्मद से शादी करने को लेकर सत्यापित हदीस का हवाला देने के लिए मुस्लिम नेताओं को बीजेपी और नुपुर शर्मा पर हमला करने के बजाय अगर ये सच नहीं है तो साथ मिलकर इसे बुखारी से मिटा देना चाहिए, ताकि कोई भी मोहम्मद पर बाल विवाह का आरोप का मजाक ना उड़ा सके। तहा सिद्दीकी के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर लोग उन पर भड़क गए हैं। कुछ लोगों ने उन्हें अल्लाह से डरने के लिए कहा है। कुछ यूजर्स ने कहा कि उन्हें कुरान और हदीस को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और पैगंबर मोहम्मद के बारे में जानना चाहिए। नीदरलैंड के सांसद बोले, नुपुर ने कुछ गलत नहीं कहा। इससे पहले नुपुर शर्मा को नीदरलैंड के सांसद गिल्ट विल्डर्स ने खुलकर उनके बयानों का समर्थन किया था और अरब देशों की संपत्ति पर सवाल उठाए थे। गिल्ट विल्डर्स ने कहा है, ये बहुत हास्यपद है कि अरब और इस्लामिक देश भारतीय नेता नुपुर शर्मा के पैगंबर के बारे में सच बताने पर भड़के हुए हैं। उन्होंने सवाल किया कि भारत क्यों माफ़ी मांगे। उन्होंने भारतीयों को सलाह दी है कि वो नुपुर शर्मा का बचाव करें। उनके इस बयान के बाद नुपुर शर्मा का विरोध कर रहे सोशल मीडिया यूजर्स ने गिल्ट विल्डर्स को भी अपना निशाना बना लिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर मुस्लिम देशों पर साधा निशाना। इस बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अरब देशों पर जोरदार हमला बोला है। स्वामी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुस्लिम देशों को पता होना चाहिए कि मुस्लिम चरमपंथियों ने 8 मार्च 2006 को संकट मोचन मंदिर को उड़ाने के लिए बम लगाए थे, जिसमें कम से कम 14 पुजारियों की मौत हो गई थी और 100 से ज़्यादा भक्त घायल हुए थे। क्या इन मुस्लिम देशों ने इसकी निंदा की थी? न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसकी पूरी रिपोर्ट छापी थी। प्रियंका और कंगना भी कर चुके हैं समर्थन। यही नहीं, नुपुर शर्मा के समर्थन के लिए कई नेता सामने आए हैं। इनमें शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी, उमा भारती और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने नुपुर शर्मा का खुलकर समर्थन किया है। नुपुर शर्मा की इस टिप्पणी को लेकर अलकायदा ने उन्हें जान से मारने की धमकी दे चुका है, जिसका कड़ा विरोध हो रहा है। तो ये थी नुपुर शर्मा पर हमारी रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर बताइए। साथ ही पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन पर लिखिए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।